सांसद दीक्षा भानुप्रिया। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले और देश के सबसे साफ शहर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला शहर इंदौर सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ सरकारी अस्पताल तो बहुत है लेकिन यहाँ के डॉक्टर गायब है, जबकि अस्पताल खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का लिखा गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई महिला डॉक्टर मौजूद नहीं थी। ऐसे में लगता है कि सुविधाओं के नाम पर डॉक्टर सिर्फ सरकार का पैसा खा रहे हैं और ये अस्पताल कामों में जीरो है। यहाँ तक कि इस नवनिर्मित सरकारी अस्पताल में पानी तक का इंतजाम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर के बाणगंगा क्षेत्र स्थित नवनिर्मित सरकारी सामुदायिक केंद्र की, जहाँ अपना हाल ठीक करवाने आए मरीजों का हाल अस्पताल में आकर बेहाल हो रहा है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में किसी भी तरह की व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया है। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की लाइन लगी रहती है लेकिन डॉक्टर का कोई पता नहीं रहता है, पर महिलाओं को बदतमीजी से जवाब दिया जाता है। इलाज कराने आई महिलाओं का कहना है कि इस अस्पताल में कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही यहाँ कोई नर्स है जो हमारी मदद कर सके। एक महिला ने बताया कि वो 2 दिनों से इस सरकारी अस्पताल के चक्कर काट रही है लेकिन वहाँ डॉक्टर का कोई पता नहीं है। जब महिला ने पूछताछ काउंटर पर डॉक्टर के आने के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि आप यहाँ लिखे गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। जब उस परेशान गर्भवती महिला ने कॉल किया तो इस अस्पताल के रूम नंबर 3 में अपनी सेवाएं देने वाली डॉक्टर सुनीता यादव ने उसके साथ बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया। साथ ही सरकार के नाम पर भी दाग लगाया और कहा कि सरकार ने मेरी यहाँ ड्यूटी नहीं लगाई है, ये कॉल इमरजेंसी नंबर के लिए है। सरकारी अस्पतालों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार आखिर इन पर ध्यान क्यों नहीं देती? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ऐसे जवाब और असुविधाओं पर सरकार को गौर करना चाहिए। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करी जानी चाहिए जो सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी देने की बजाय अपने क्लिनिक पर बैठकर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। अगर इंदौर जैसे शहर के सरकारी अस्पतालों में ये हाल होंगे तो आसपास के गाँवों के बारे में सोच पाना तो बहुत ही मुश्किल है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.